Hi everyone, I am Divya Shishodia. So in this tutorial, we are going to learn about for loop in Python. So हमने इसके पहले while loop देखा, तो while loops हम क्यों use करते हैं? तो loop हम इसलिए use करते हैं कि हमको अगर कोई data को iterate करना है, तो उसके लिए हम loop use करते हैं. तो हम for loop इसीलिए use करते हैं कि अगर कोई object है, object को हमको iterate करना है. मतलब अगर आपने कोई list में 10 number of data को store कर लिया, और उसके बाद आप क्या चाहते हैं कि आप वो list के 10 numbers को iterate करें, तो उसके लिए आप क्या use करेंगे? फॉर लूप यूज कर सकते हैं. सो ये जो ट्यूटोरियल्स है, इसमें मैंने यही बताया है कि जो आप फॉर लूप्स को कैसे यूज कर सकते हैं. फॉर लूप का फ्लो चार्ट दिखाया हुआ है, और फॉर लूप को हम कैसे लिस्ट के थ्रू यूज कर सकते हैं, डिक्शनरी के थ्रू यूज कर सकते हैं, और स्ट्रिंग पर यूज कर सकते हैं. जैसे हमने आप लिस्ट एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, फिर उसको इटरेट किया. हमने एक डिक्शनरी को स्टोर कर लिया, फिर उसको इटरेट किया. हम एक स्ट्रिंग को इटरेट कर सकते हैं इसके थ्रू, और हम जैसे इसमें ब्रेक स्टेटमेंट्स लगा सकते हैं, जैसे हमने वाइल लूप में देखा था. और हमने देखा था कि हम इसमें कंटिन्यू स्टेटमेंट्स कैसे यूज कर सकते हैं. नेस्टेड लूप, तो नेस्टेड लूप क्या होता है? अगर आप कोई एक लूप लगाया, उसके अंदर एक और लूप लगाते हैं, तो उसको हम नेस्टेड लूप बोलते हैं. कभी कभी हमको कोई भी जैसे अगर मैट्रिक्स के या कुछ ऐसा टाइप के क्वेश्चन हमको सॉल्व करना होता है, तो उसमें हमको दो लूप्स की जरूरत होती है. तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? नेस्टेड लूप यूज करते हैं. एक लूप, उसके अंदर एक लूप यूज करते हैं. फिर लूप के साथ हम एल्स कंडीशन देख सकते हैं कि लूप जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक चलेगा चलेगा, और फिर जब कंडीशन मतलब जब वो ऑब्जेक्ट में कोई वैल्यू नहीं रहेगी, उसके बाद हमारा लूप क्या आ जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा, तो एल्स कंडीशंस आ जाएगी. सो ऐसे यहाँ पे हमने जैसे इसे फ्लो चार्ट के थ्रू हम समझ सकते हैं कि हमारा क्या हुआ कि एक लिस्ट में या कुछ ऑब्जेक्ट में 5 डेटा था, तो वो फर्स्ट गया, फिर फर्स्ट ने क्या किया. यहाँ पे कंडीशन क्या रहती है? यहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं रहती. यहाँ ये कंडीशन रहती है कि जब तक वो ऑब्जेक्ट में वैल्यू रहेगी तब तक हमारा क्या होगा? लूप चलते रहेगा. बट जैसे ही वो ऑब्जेक्ट खत्म हो गया, उसमें की वैल्यू खत्म हो गई या मतलब पूरी एटरेट हो गई, तो वो क्या करेगा? लूप को क्या कर देगा? एंड कर देगा. तो हम अगर यहाँ पे जैसे अगर इसमें कुछ डेटा बच गया, लास्ट आइटम रिच, अगर मतलब लास्ट आइटम रिच हुआ, दैट मीन्स हमारी कंडीशन ट्रू हुई, तो हमारा क्या हो जाएगा? एग्जिट हो जाएगा. और अगर लास्ट एलिमेंट लिस्ट रिच नहीं हुआ, तब तक कंडीशन चलते रहेगी. तो फॉल्स हुआ तो फिर वो लूप चलेगा, फिर देखेगा कि और कोई ऑब्जेक्ट है क्या, ऑब्जेक्ट उसमें अगर है तो फिर से लूप चलेगा. ऐसे आइटम्स चेक करेगा, और जब ऑब्जेक्ट के पूरे आइटम्स इटरेट हो जाएंगे, तो हमारा लूप फॉर लूप क्या हो जाएगा? एग्जिट हो जाएगा. सो मैंने यहाँ पे दिखाया है कि हम लिस्ट के थ्रू डेटा को कैसे इटरेट कर सकते हैं. तो जैसे आपने यहाँ लिस्ट वन में जितना डेटा स्टोर किया था, वो आपको क्या हो गया? यहाँ पे पूरा सो हो गया इटरेट करके एक साथ, रेड ब्लू ग्रीन ब्लैक ऐसे करके. और आप स्ट्रिंग में जैसे आपने यहाँ पाइथन लिखा, उसको इटरेट किया, तो पूरा पाइथन के एक एक वर्ड्स को इटरेट हो गए. इटरेट मतलब होता है कि उसको मतलब अपन ने एक वन बाय वन करके हमने उसको सो किया. और जैसे हमने ये डिक्शनरी में, हमने डिक्शनरी में दो वैल्यू स्टोर करी और उसको इटरेट किया, तो हम उसको भी इटरेट कर सकता है. फिर इसमें आता है रेंज फंक्शंस. तो रेंज फंक्शन क्या करता है? सो रेंज फंक्शन हम यूज करते हैं, सपोज अगर आपके पास कोई, आपने कोई डेटा लिया है, तो उसमें अगर आपके पास कोई लिस्ट नहीं है और आपको एक लूप को 10 टाइम्स चलाना है, तो आप रेंज फंक्शन यूज कर सकते हैं. तो रेंज फंक्शन जो होता है वो स्टार्ट कैसे होता है? 0 से लेके स्टार्ट होता है, और एंड कहां पे होता है? जो आप उस वो जो रेंज फंक्शन का जो आर्गुमेंट रहेगा, उसमें जो पास करोगे वो वहां पे एंड हो जाता है. तो अगर आपने 0 से स्टार्ट नहीं किया है, मतलब आपने स्टार्ट पॉइंट नहीं दिया, सिर्फ एंड पॉइंट दिया, तो वो क्या करेगा? बाय डिफॉल्ट 0 लेता है. और अगर आपने 1 से लेके 5 का, तो वो 1 से स्टार्ट करेगा. अगर आपने 2 से लेके 9 किया, तो वो 2 से लेके 9 तक लूप को चलाते रहेगा. सो जो रेंज फंक्शन का जो सिंटेक्स होता है वो ऐसा होता है. तो स्टार्ट होता है इसमें, स्टॉप होता है, और स्टेप्स होता है. सो स्टार्ट क्या होता है? तो स्टार्ट क्या होता है कि जो ये जो बाय डिफॉल्ट में क्या वैल्यू लेता है? 0 वैल्यू लेता है. बट अगर आप वहाँ देना चाहते हैं, तो आप वो कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है. बट जो स्टॉप है, स्टॉप क्या है? मैंडेटरी है, क्योंकि उसको पता रहना चाहिए कि उसको कहाँ पे एंड होना चाहिए. तो वो एंड होने के लिए हमको क्या देना पड़ता है? एक आर्ग्यूमेंट तो देना ही पड़ता है. और जो स्टेप्स है, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है? एक एक स्टेप मतलब वन बाय वन स्टेप को इंक्रीज करता है. अगर आपको ज़्यादा स्टेप्स को इंक्रीज कराना है, तो आप उसमें इंक्रीमेंट क्या कर सकते हैं? 2 का कर सकते हैं. सो जैसे यहाँ रेंज फंक्शन से मैंने दिखाया है कि आपने फॉर लूप में रेंज 5 डाली, तो ये क्या करेगा? ये बाय डिफॉल्ट आपने सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट डाला, तो ये एक आर्ग्यूमेंट क्या होगा? स्टॉप वाला होगा, क्योंकि वो क्या होता है? हमारा वो ऑप्शनल नहीं होता है, वो रिक्वायर होता है. तो आपने 5 क्या डाल दिया? स्टॉप पॉइंट डाल दिया. तो स्टार्ट कहां से करेगा? 0 से करेगा 5 तक. और स्टेप्स कितनी लेगा? तो सिंगल स्टेप लेगा, क्योंकि जो स्टेप था वो भी ऑप्शनल था. अगर आप देते जितना दे सकते हो, तो दे भी सकते हो 3 वैल्यूज, और अगर नहीं देते तो वो खुद से ले लेता है.
तो जैसे इसमें, तो इसमें हमने क्या किया, 2 से लेके 5 तक स्टार्ट किया, तो हमने इसमें स्टार्ट स्टॉप दे दिया। सो वो स्टार्ट करेगा वहां से और स्टॉप करेगा। फिर हमने यहाँ क्या देखा कि हम रेंज फंक्शन से कोई भी ऑब्जेक्ट को कैसे इटरेट कर सकते हैं रेंज फंक्शन के थ्रू, तो उसके लेंथ से हम इटरेट कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट लगाया लूप के साथ, फिर नेस्टेड, जैसे मैंने आपको बताया था लूप लगाया, फिर उसके अंदर एक लूप लगाया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड लूप बोलते हैं। फिर हमने पास स्टेटमेंट, मतलब अगर आपने कोई लूप जैसे फॉर लूप स्टार्ट कर दिया, क्रिएट कर दिया, और उसकी बॉडी आपको नहीं चाहिए कि मेरे को वहां कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मेरे को एक फॉर लूप चलाना था, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, पास स्टेटमेंट लिखोगे, पास कीवर्ड, तो वो एरर नहीं देगा। अदरवाइज आपने अगर फॉर लूप लिख दिया और वहां पे पास या कुछ भी उसकी बॉडी नहीं डाली, तो वो आपको एरर दे देता है। बट अगर आपने पास यूज कर लिया, तो वो आपको एरर नहीं देगा। देन हम कंटिन्यू स्टेटमेंट, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो वाइल में देखा था कि वाइल के साथ हम कंटिन्यू कैसे यूज कर सकते हैं, कि पर्टिकुलर कंडीशन पे हमको लूप को क्या करना चाहिए, स्किप करना चाहिए, कर देना चाहिए नेक्स्ट स्टेप्स, और फिर से नेक्स्ट इटरेशन पे चले जाना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कंटिन्यू यूज करते हैं। वैसे ही एक ब्रेक है, तो ब्रेक क्या करता है कि हमारे लूप अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए, तो वो क्या करता है, लूप से हमको टर्मिनेट कर सकता है, उसके बाद मतलब वो लूप चलेगा ही नहीं। तो ऐसे हम ब्रेक यूज कर सकते हैं। सो हम कोडिंग के थ्रू देखेंगे आज फॉर लूप, फॉर लूप को, तो ये जो लूप्स है या कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स है या कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कोई कोडिंग कर रहे हो, या आप कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह बना रहे हो, या आपको कोई कॉम्पिटिटिव कोडिंग करना है, तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम देखेंगे आज, तो हम यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेंगे, हम फॉर लूप्स पढ़ने वाले हैं, तो उसके लिए हम एक पाइथन फाइल बनाएंगे। पाइथन फाइल मतलब डॉट पी वाई से बनती है। सो हमने फॉर लूप एक फाइल बना ली और ये ओपन होंगे। सो हम अभी यहाँ पे क्या देखेंगे, फॉर लूप्स को देखेंगे। सो सबसे पहले हम यहाँ पे एक लिस्ट बना लेते हैं li, और उसमें हमने क्या ले लिया, डेटा ले लेंगे। तो लिस्ट कैसे बनाते हैं, हमको पता है, स्क्वायर ब्रैकेट से बनाते हैं। जैसे आप यहाँ पे रेड ब्लू हम कलर्स के नेम ले लेंगे, ग्रीन वाइट येलो, हमने क्या कर दिया, ये कलर्स के नेम डाल दिए। अब हम क्या करेंगे, ये कलर्स के नेम को हमको प्रिंट कराना है। तो अगर हमको इसको, अगर मैं यहाँ लिस्ट प्रिंट कर देती तो ये क्या करेगा, सिंगल लाइन हमको दे देगा। बट हमको क्या करना है, इसको एक एक ऑब्जेक्ट चाहिए, पहले रेड चाहिए, फिर दूसरे लाइन में ब्लू चाहिए, फिर ग्रीन चाहिए, तो उसके लिए हम लूप लगाएंगे, फॉर लगा। इसमें हमको क्या करना पड़ता है, हमको इसमें डायरेक्ट, जैसे आपने सी में अगर, या कोई भी सी लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, अगर हम फॉर लूप लगाते हैं, तो उसके लिए हम पहले उसको इनिशियलाइज करते हैं एक वेरिएबल को, फिर उसकी कंडीशन डालते हैं, फिर उसको इंक्रीमेंट करते हैं। बट फॉर लूप में हमको यहाँ पे जो पाइथन में हमको उसकी जरूरत नहीं रहती, हम सिर्फ ऑब्जेक्ट को इटरेट करते हैं, मतलब जब तक वो ऑब्जेक्ट में वैल्यूज रहेगी तब तक वो चलते रहेगा, और एक बार जब वैल्यूज खत्म हो गई, या मतलब एम्प्टी हो गई इटरेशन, तो वो इटरेशन को बंद कर देता, क्लोज कर देता। तो फॉर आई हमने आई इन, तो हमने आई, यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं आई के जगह, वो वेरिएबल में हम ये एल आई के एलिमेंट्स को डालेंगे, तो वो क्या कर देगा, ये जो एल आई के एलिमेंट्स रहेंगे वो इसमें आ जाएंगे, और हम क्या करा देंगे, प्रिंट कर देंगे। अब हम किसको प्रिंट कराएंगे, आई को, क्योंकि हमने एल आई के जो वैल्यूज थी उसमें डाल दी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ दिखना भी चाहिए, तो हम इसको क्या कर दिया, रन फॉर लूप किया, तो इसने हमको क्या कर दिया, पहले रेड दे दिया, ब्लू दे दिया, ग्रीन दे दिया, व्हाइट दे दिया, येलो दे दिया, तो हमने एक स्टेटमेंट से इतना सारा प्रिंट करा लिया। तो हम ऐसे फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं। तो हमने अभी देखा कि हमने लिस्ट के थ्रू देखा, अब हम क्या करेंगे, हम एक स्ट्रिंग देखेंगे, तो स्ट्रिंग में हम क्या लिख देते हैं, पाइथन लिख देते हैं। तो पाइथन को क्या करेगा, एक एक वर्ड को क्या कर लेगा, इटरेट कर देगा। सो जैसे हमने यहाँ पे लिस्ट को हम हटा के str लिख सकते हैं, वैसे वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, बट अगर हम उससे रिलेटेड देखते हैं, तो उससे हमको अच्छा समझ आता है कि ये स्ट्रिंग है। सो हमने इसको रन करेंगे अभी, तो हमारा ये क्या कर देगा, पाइथन के एवरी वर्ड, जैसे पी कर दिया, फिर वाई कर दिया, फिर टी कर दिया, फिर एच कर दिया, फिर ओ कर दिया, फिर एन कर दिया, तो ऐसे इसने स्ट्रिंग को भी क्या कर दिया, इटरेट कर दिया लूप ने। अब हम देखेंगे कि एक हम डिक्शनरी को कैसे कर सकते हैं। तो डी वन कर दिया, डिक्शनरी को हम कैसे बनाते हैं, तो हम कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं, फिर उसके बाद डबल क्वोट्स में एक कोई भी की लेंगे। तो जैसे मैंने ए बी सी ले ली और लिख दिया 1 2 3, और वैसे ही हमने क्या लिख दिया, दूसरा जो हमारा की रह गया एक्स वाई जेड, तो हमने उसकी वैल्यू दे दी 4 5 6। तो
अब हम क्या करेंगे, अब ये हमको एरर क्यों दे रहा, क्योंकि हमारा वो है ही नहीं, हमने d1 डाल दिया। तो d1 के जो ऑब्जेक्ट है, मतलब इसके जो ये वैल्यू है, तो पहले फर्स्ट वैल्यू आएगी फिर सेकंड आएगी, तो i में आ गई। अब i में क्या आया होगा, i में ये पूरा क्या आया होगा, ये पहली एक डिक्शनरी आई होगी, इसकी की आई होगी, मतलब ABC आया होगा। बट हमको क्या चाहिए, इसके साथ में वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हमने डिक्शनरी वाले से, जो हमने उस वीडियो में देखा था कि हम डिक्शनरी के ऑब्जेक्ट की से उसकी वैल्यू कैसे ले सकते हैं, तो हमको अंदर की पास करना पड़ता, तो उसकी वैल्यू रिटर्न करके दे देता है। तो हम यहाँ इसको रन करेंगे, तो इसने हमको क्या दे दिया, हमको दे दिया एबीसी की वैल्यू 1, 2, 3 है, एक्स वाई जेड की 4, 5, 6 है। सो ऐसे हमने क्या किया, डिक्शनरी को इटरेट कर दिया, हमने स्ट्रिंग को इटरेट कर दिया। अब हम देखेंगे एक रेंज फंक्शन होता है, सो हम रेंज फंक्शन को देखेंगे। तो रेंज फंक्शन कैसे हो? तो अभी हम जैसे फॉर लूप लगाया, फॉर आई इन, हमने यहाँ रेंज फंक्शन लगा दिया, और रेंज में क्या डालेंगे, हम स्टार्ट डाल सकते हैं, स्टॉप डाल सकते हैं, और स्टेप्स डाल सकते हैं। सो हम सबसे पहले एक वन आर्ग्यूमेंट से डालेंगे, हम थ्री आर्ग्यूमेंट, पहले हम वन से डालते हैं, फिर टू से डालेंगे, फिर थ्री से। तो हम सबसे पहले क्या डालेंगे, जो स्टॉप होता है वो नेसेसरी होता है, मतलब वो ऑप्शनल नहीं है, वो रिक्वायर्ड है। जैसे मैंने डाल दिया कि मेरे को यहाँ 5 पे करना, जैसे मैंने यहाँ 10 डाल दिया, मतलब ये हमारा जो लूप है ये 10 टाइम्स चलना चाहिए। और हम इससे क्या करेंगे, एक टेबल प्रिंट कराएंगे। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट, तो हम 2 का टेबल अगर प्रिंट कराते हैं तो क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई आई। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले प्रिंट 2 मल्टीप्लाई आई, तो ये क्या कर देगा, 2 आएगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेगा, ऐसे करके पूरा मल्टीप्लाई करके हमको 2 का टेबल दे देगा। तो हम, इसने हमको 0 से स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि हमने इसको स्टार्ट कुछ दिया नहीं था, तो स्टार्ट कुछ नहीं दिया, तो इसने क्या किया, बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट किया, और क्या किया, एक एक स्टेप्स इंक्रीमेंट किया, मतलब चले आई की वैल्यू 1 रही होगी, फिर 2 थी, फिर 3 थी, फिर 4 थी। तो उससे अच्छा, या तो हम यहाँ पे अभी इसका मल्टीप्लाई नहीं करते, तो हमको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा कि आई की वैल्यू इसने रेंज फंक्शन को कैसे वर्क किया। पहले 0 से स्टार्ट हुआ, फिर 1 एक स्टेप गया, फिर 1 में 2 ऐड किया, ऐसे करके एक एक स्टेप्स आगे गया। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 0 से नहीं, 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ 1 डाल दिया, तो यहाँ 1 डाला, तो ये 1 से स्टार्ट होकर 9 तक ही जाएगा। ये जो लास्ट वैल्यू रहती है, स्टॉप वैल्यू, उसको वो क्या करता है, इंक्लूड नहीं करता, उसको एक्सक्लूड करता है। और जो 1 से रहेगा, 1 से तो स्टार्ट होगा, बट जो स्टॉप वैल्यू रहेगी उसके एक पहले ये स्टॉप कर देता है। तो हम देखेंगे, तो हमारा कोड कहाँ से रन होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया। तो 10 हमारा क्या हो गया, एक्सक्लूड हो गया, इंक्लूड नहीं रहता है। और हम क्या चाहते हैं कि हमारी जो स्टेप्स है वो 2-2 इंक्रीमेंट, अभी क्या हो रहा था, 1-1 इंक्रीमेंट हो रहा था। तो अब हमको क्या मिलेगा, अब हमको मिलेगा, पहले हमारा मिलेगा 1, फिर उसके बाद हमको मिलेगा ये, हमको मिला 1, फिर उसके बाद 2 स्टेप इंक्रीमेंट हुआ, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। सो ऐसे हम रेंज फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और रेंज फंक्शन का हम यूज़ और एक टाइप से कर सकते हैं, जैसे अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे थे, हम लिस्ट को इटरेट कर रहे थे, डायरेक्ट लिस्ट को डाल रहे थे, बट हम क्या चाहते हैं कि हम उसकी लेंथ को लूप में डालेंगे, कि जैसे लेंथ 5 है, तो 5 टाइम वर्क होगा, फिर हम वो LI लिस्ट से वो ऑब्जेक्ट इंडेक्स के थ्रू डेटा को ले लेंगे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक LI बनाते हैं, उसमें हम a डालेंगे, कॉमा b, कॉमा c, कॉमा d, कॉमा e। तो हमने ये वैल्यूज ले ली। अब हम क्या चाहते हैं कि हम रेंज फंक्शन यूज करेंगे, बट हमको ये लिस्ट पे वर्क करना है। अब हम यहाँ पे ये तो नहीं डाल सकते कि हमको 10 टाइम चलाना है, क्योंकि जितने लिस्ट में एलिमेंट होंगे उतने टाइम भी वर्क करेगा। तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, लेंथ यूज करेंगे। लेंथ क्या करता है, ln एक फंक्शन है, ये लिस्ट की लेंथ देगा। तो जैसे लिस्ट की लेंथ देगा, तो 5 है, तो ये हमको 5 रिटर्न कर देगा। तो हमारे रेंज को तो आता है कि अगर उसको एक आर्ग्यूमेंट मिल गया, तो वो 0 से स्टार्ट करके 5 टाइम चला देगा। सो ये अभी हमको क्या देने वाला है, अब हमने यहाँ पे आई लिख दिया, बट हमको आई चाहिए क्या, नहीं चाहिए, क्योंकि आई में हमारा क्या आने वाला है, 0 से लेके जितनी लिस्ट की लेंथ है वो आएगा। जैसे 0 से लेके 5 है, तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3, बट हमको वो नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, वो इंडेक्स की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिस्ट करेंगे, और फिर वो इंडेक्स के लिए हम ऐसे यूज करते हैं, मतलब लिस्ट ऑफ 0 आएगा, फिर लिस्ट ऑफ 1 आएगा, फिर लिस्ट ऑफ 2 आएगा, फिर लिस्ट ऑफ 3 आएगा, ऐसे करके वो हमको एलिमेंट देते जाएगा। तो हम इसको रन कराते हैं, सो हमको क्या मिल गया, ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, डी मिल गया, ई मिल गया। और अगर मैं यहाँ पे सिर्फ आई लिखती हूँ, तो ये हमको क्या देगा, हमको ये दिखाएगा कि हमारे आई में क्या आ रहा। तो आई में हमारी लेंथ आ रही 5 टाइम तक, तो इसने क्या कर दिया, 0, 1, 2, 3, 4,
कर दिया. सो ऐसे हम रेंज फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं. अभी हम देखेंगे कि हम जो फॉर लूप के थ्रू क्या यूज़ कर सकते हैं, एल्स कंडीशन कैसे यूज़ कर सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज लगाएंगे और एक जैसे हम 9 का टेबल प्रिंट कराते हैं. सो हम कैसे करेंगे इसको, 9 तक हम वर्क कराएंगे, 1 से स्टार्ट करके 10 तक. तो हमको 11 तक कराना पड़ेगा क्योंकि हमको क्या करेगा, 10 को इंक्लूड नहीं करेगा. हम 11 तक करेंगे तो वो 10 तक रन करेगा. एंड देन हम क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे. हमको 9 का टेबल चाहिए तो हम 9 मल्टीप्लाई आई कर देंगे. तो आई में क्या आएगा, 1, 2, 3 आएगा. तो वैसे ही वो 9 में मल्टीप्लाई होते जाएगा, वैसे ही तो हम टेबल निकालते हैं. सो हमने यही कर लिया. और हम ये यहाँ पे इसमें साथ में एल्स कंडीशन लगा देंगे कि जब ये पूरा कंडीशन हो जाएगा, पूरा हमारा 9 का टेबल प्रिंट हो जाए, तो ये बोल दे लूप इज टर्मिनेटेड. सो हम देखेंगे, तो हमको इसने क्या दे दिया, हमको इसने दे दिया 9 का टेबल, 9 was 19, 20, 18, 27, 36. तो इससे क्या हो गया कि हमको 9 का टेबल भी याद करने की जरूरत नहीं है. हम डायरेक्ट प्रोग्रामिंग के थ्रू एक कोड से क्या कर सकते हैं, 9 का टेबल. आप 29 या आप 99 का भी टेबल यहाँ प्रिंट कराओगे. तो प्रोग्रामिंग आपको कोई भी चीज़ें इतना ईजी कर देता है कि आपको दिमाग लगाने के बस लॉजिक लगाना. तो इसने क्या कर दिया, हमको 99 का भी टेबल दे दिया. सो ऐसे हम फॉर लूप को यूज़ कर सकते हैं. साथ में हमने एल्स कंडीशन भी देखी कि जब हमारी जो कंडीशन है, मतलब हमारे जो रेंज का 5 तक थी या 10 तक थी, तो 10 तक हमारा प्रिंट हुआ. उसके बाद इसने क्या कर दिया, 11 आया होगा, तो 11 हमारी रेंज में नहीं है, तो इसने क्या कर दिया, हमारा लूप को टर्मिनेट कर दिया. सो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, एक ये यूज कर सकते हैं कि जैसे इसमें कंडीशन लगाएंगे हम, तो हम ये इफ को हटा देते हैं और हम इसमें कंडीशन लगाते हैं कि इफ आई इक्वल टू 5 रहे तो हमारा क्या हो जाए, कंटिन्यू हो जाए. तो अब हमको क्या मिलेगा, 5, ये हम इसको हटा देते हैं. जब भी ये 5 आएगा तो ये क्या कर देगा, इसके बाद के कोड को स्किप कर देगा और जो ऊपर इसको नेक्स्ट लूप में क्या, नेक्स्ट इटरेशन में क्या कर देगा, उसको भेज देगा फ्लो को. तो हम इसको रन कराते हैं, तो अभी हमको क्या मिलने वाला है, हमको मिला 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, बट 5 नहीं मिला. क्यों, क्योंकि मैंने कंडीशन कंटिन्यू लगा दिया. तो कंटिन्यू क्या करेगा, उसको 4 तक भेजेगा और 5 जैसे ही आया तो वो 6 स्टेप पे भेज देगा 5 को. बाकी जो नीचे का कोड रहेगा उसको स्किप कर देगा. सो ऐसे हम कंटिन्यू यूज कर सकते हैं. और अगर हम ब्रेक करते हैं तो ब्रेक का करेगा, अगर 5 आया तो वो उसको क्या कर देगा, उसके बाद लूप ही नहीं करेगा. तो ये क्या कर दिया, 1 किया, 2 किया, 3 किया, और जैसे 4 किया, और जैसे ही 5 पे आया तो उसने इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया. सो ऐसे हम कर सकते हैं. और हम क्या कर सकते हैं, जो फॉर लूप में है उसमें हम एक पास भी यूज कर सकते हैं. अगर मैंने क्या किया, यहां मैंने सिर्फ फॉर लूप बना दिया, मेरे को इसकी बॉडी नहीं लिखना. अब मैंने इसको रन किया तो मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे मिलने वाली है एरर. क्यों, क्योंकि वो बोल रहा है कि तुम ऐसे कोई भी लूप को तुमने चलाया और तुम उसको खाली नहीं छोड़ सकते, तुमको उसकी बॉडी देना ही पड़ेगा, कुछ भी लिखो. तो उससे अच्छा अगर मैंने यहाँ पास कीवर्ड लिख दिया, तो ये क्या करेगा, फिर समझ जाएगा कि मेरे को इसको पास करना, मतलब अब हमको क्या मिलेगी, कोई एरर नहीं मिलेगी. तो ऐसे हम पास को यूज कर सकते हैं. सो ये लूप्स को आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं. अगर आपको थ्योरी पढ़ना है इसकी, तो मैंने यहाँ पे पंजवानी ट्यूटोरियल्स पे ऐड करके रखा है, सो आप इसको भी देख सकते हैं. सो अभी हमने एल्स स्टेटमेंट देखा लूप के साथ, हमने रेंज भी देखा. अब हमारा एक जो बचा है वो नेस्टेड लूप बचा है. तो हम नेस्टेड लूप को यहाँ पे देखते हैं. तो नेस्टेड लूप मैंने आपको क्या बताया था कि लूप के अंदर लूप. तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक लिस्ट लेंगे, एल आई में ले लेंगे, कलर ले हम एल आई में 2 कलर्स ले लेंगे, एनिमल ले लेंगे, डॉग, कैट, ऑक्स ले लिया हमने. ये क्या कर लिया, 2 एनिमल्स ले लिया. और हमने एक और लिस्ट ली, वो लिस्ट में हमने क्या डाल दिया, क्योंकि हमको 2 लूप रन कराना, तो हम उसके लिए 2 लिस्ट लेंगे. हमने उसमें कंट्रीज डाल दी, इंडिया, चाइना. अब हमने क्या किया कि हमारा, अब यहाँ पे रेंज की हमको जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ये भी डाल यूज़ कर सकते हैं, एल आई भी यूज़ कर सकते हैं. तो एल आई ऑब्जेक्ट इसमें आ जाएंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से एक लूप रन कराएंगे. फिर अब हमने एक बार दूसरा कीवर्ड लेंगे, क्योंकि लूप के अंदर आप एक ही नाम से दूसरा वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते, तो वो कन्फ्यूज हो जाएगा. और जे इन एल आई, हमने दोनों को एल आई कर दिया, हमको नेम चेंज करना पड़ेगा, तो हमने एल आई 1 कर दिया. तो यहाँ भी हम एल आई 1 कर देंगे. अब हम प्रिंट क्या कराएंगे,
अब I में हमारा क्या आ गया होगा, फर्स्ट वैल्यू आ गई होगी, और J में क्या आ गई होगी, सेकेंड लिस्ट की वैल्यू। तो ये क्या करेगा, ये हमारे लूप को कितना टाइम रन करेगा, तो हमारा लूप को रन करेगा 3 टाइम प्लस क्या हो गया ये 3 टाइम। तो हमारा लूप कितने रन टाइम वर्क होने वाला है, 9 टाइम्स। ये डॉग को लेगा इंडिया के साथ, फिर डॉग के साथ पाकिस्तान, फिर डॉग के साथ चाइना, फिर कैट के साथ इंडिया पाकिस्तान चाइना। मतलब इसमें जब एक एलिमेंट आएगा डॉग, तो ये फिर से जितनी बार इसमें एलिमेंट होगा उतने बार रन होगा। फिर फॉर लूप का जो हमारा आउटर लूप है उसका जो सेकेंड एलिमेंट आएगा, फिर ये फॉर लूप फिर से पूरा चलेगा। फिर थर्ड एलिमेंट आया, फिर जो इनर लूप है वो फिर से पूरा चलेगा। तो ऐसे हमारा नेस्टेड लूप वर्क करता है। सो हम इसको अभी कोड को देखेंगे। तो इसने क्या किया, डॉग इंडिया, डॉग पाकिस्तान, डॉग चाइना, फिर कैट को किया, फिर कैट को तीनों के साथ रन किया, फिर ऑक्स को। तो हमारा कितना टाइम रन हो गया, 9 टाइम रन हो गया। सो ऐसे हम नेस्टेड लूप को यूज कर सकते हैं। सो इफ यू लाइक दैट वीडियो, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।